चीन लगातार पूर्वी लद्दाख में दखल दे रहा है और अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब खबर है कि चीन पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास खुदाई कर बंकर बना रहा है। चीन ने ये बंकर उस सिरपाज मिलिट्री बेस के पास बनाए हैं, जिस पर भारत का दावा रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने इस जगह पर कई बड़े अंडरग्राउंड बंकर बनाए हैं और इन बंकरों में बख्तर बंद वाहन, गोला बारूद स्टोर करने की सुविधा है। इस पूरे बेस को चीन ने सड़कों और खाइयों के एक बड़े नेटवर्क से जोड़ा है। अब नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट देकर कहा था कोई घुसा हुआ नहीं है। चीन की ये हिमाकत उसी क्लीन चिट का नतीजा है। न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। हाल ही में ही चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदल दिए थे, तब भी नरेंद्र मोदी चुप थे। नरेंद्र मोदी कभी चीन को लाल आग दिखाने की बात किया करते थे, आज उनके मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकल रहा।